अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेसन है ट्यूनिंग ऑफ रबाब। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रा ये भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इतनी वीडियोस बनाते हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आपने खोलना है पानो ट्यूनर, ये आपको ऊपर स्क्रीन में नज़र आएगा पानो ट्यूनर। आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करना है। अच्छा, अभी आपने इसको ओपन किया पानो ट्यूनर, तो अभी आपने इसमें क्या करना है, आपने इसको पहले खोलना है। आपने ऐसी जगह रखना है कि वहाँ पर कोई शोर नहीं हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये देख ले, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे। ये है 26 इंच रबाब, ये इसका साइज है, 26 इंच इसका साइज है। ट्यूनर में आप ये देख ले, 179। तो ये आपकी मर्जी, अगर आप 150 भी करें, 160, 170, 180, 190, 200। अगर छोटा रबाब हो तो आप, अभी मैं इसको, ये पहले वाली स्ट्रिंग को मैं 200 पे भी कर सकता हूँ, 190 पे भी कर सकता हूँ। अगर बड़ा रबाब हो तो इस स्ट्रिंग को मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं 140, 150 पे कर लूँ। बस ये डिफरेंस है, छोटा और बड़े रबाब में ये डिफरेंस है। अच्छा, अभी हम इसको कैसे ट्यून करेंगे। ये पहला स्ट्रिंग है 179, ये इसका पहला फ्रेड है, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर आपके रबाब में फोर्थ फ्रेड, यहाँ पर वो फोर्थ फ्रेड है तो वो यहाँ पर आएगा फोर्थ। फिर आपने इससे आगे आने है फिफ्थ, ये आएगा 1 2 3। अगर यहाँ पर फोर है, फोर, फिर उससे आगे आएगा फाइव। अगर आपको पता नहीं है कि फिफ्थ फिफ्थ फ्रेड किधर है, तो वन, ये आएगा 179। अभी सेकंड में प्ले करूं स्ट्रिंग, 237। तो अभी मुझे यहाँ पर फिफ्थ फ्रेट को देखना है, ये मेरा फिफ्थ फ्रेट है, ठीक है। आपने पहले इसको ट्यून करना है 179, 237, 319। इसको आपने ट्यून करना है, आपने ट्यून किया, ठीक है, ये आएगा 179। तो अभी सेकंड स्ट्रिंग है 237, तो आपने पहले वाली तार में यहाँ पर 237 इधर है, ठीक है। तो आपने इसको मार्क करना है कि यार ये मेरा फिफ्थ फ्रेड है। फिर आपने थर्ड वाली स्ट्रिंग को प्ले करना है, 319, 319, 319 आएगा। तो आपने सेकंड वाली स्ट्रिंग में 319 को काउंट करना है कि ये किधर है, ये अभी 304 है, आप देख ले, 304। मतलब 319 इधर आएगा। तो खैर, अगर आप ऊपर कर लो तो नीचे भी वही फ्रेट है। ये आपका ट्यून हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग आपने ट्यून किया। अभी इसमें ये ऊपर जो आएंगे, अगर ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, नॉर्मल इसमें दो होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल की बात करूंगा। आपका पहला स्ट्रिंग है 179, तो ये भी क्या आएगा 179, ये वाइब्रेशन भी करेगा, फिर 179 ऊपर से, ये पहला वाले। फिर सेकंड स्ट्रिंग आपका है 237, तो इसको भी आपने करना है 237। बस ये आपकी पांच जो स्ट्रिंग है वो ट्यून हो गए। अभी इस ऊपर वाले को आपने कैसे ट्यून करना है, ये थोड़ा मसला है ना, तो अब हम इसको भी कवर करेंगे। आपने स्टार्ट लेना है गा से, आप ये जरा लिख ले अपने साथ, गा, मा, पा, दा, नी, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। लास्ट वाला आपने काउंट नहीं करना, नी। तो ये आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, तो आपने ऐसे
इसको यहाँ पर लिखना, इसके साथ लिखना, या जहाँ भी अगर आपके पास कोई डायरी हो तो वहाँ पर लिखना है। अभी ये 3 स्ट्रिंग आपकी मेन, ये 3 स्ट्रिंग आपकी ट्यून होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने प्ले करना है गा, ये ट्यून में आप देख ले 216, 216, 216। अभी ये मेरा सारा रबाब ट्यून है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये 216 आ गया, फिर गा के बाद है माँ, माँ हमारा है 237, ये सेम आएगा 237, फिर पा 267, ये भी 267, फिर दा 285, ये भी आएगा 285, फिर नी 319, 319, फिर ये वाला, ठीक है, यहाँ तक हो गया गा मा पा दा नी, 5 आपने कवर कर ली, गा मा पा दा नी। फिर इसके बाद आएगा सा, तो ये ऊपर वाला अगर अभी मैं प्ले करूँ, 179 को आपने 2 में मल्टीप्लाई करना है। अभी आप 179 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे कि तो क्या आएगा, 357 या 356 आएगा। ये अभी आप देख ले एफ, एफ की थोड़ा सा ऊपर है, नीचे भी, ये भी एफ की थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसमें ये मसला है कि ये 179 है तो ये 357 आएगा, इसमें ये मसला है, मतलब ये डबल है, ठीक है, डबल। तो गा मा पा दा नी, 5 हमने कवर कर ली। अभी सा 179 है, आपने 2 में मल्टीप्लाई करना है, ये 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 256 या 257। फिर सा के बाद रे, रे है 192, आप इसको 2 में मल्टीप्लाई कर लो, 380 या 381 आएगा। नी सा रे के बाद आएगा गा, 216, जैसे पहला वाला हमने किया था। अभी आपने इसको 2 में मल्टीप्लाई करना है, 226 या 227। गा के बाद है माँ, 237, तो इसको हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 237 को आपने 2 में मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद आएगा पा, पा है 267, ये आएगा 536। फिर पा के बाद है दा, दा 285, तो इसको भी आपने 2 में मल्टीप्लाई करना है। दा के बाद नी 319, मतलब 319, इसको भी आपने 2 में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अभी आप नी 2 में क्यों मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला सा, तो ये नीचे वाला, ये ऊपर रे नीचे रे, ऊपर गा नीचे, पा नीचे पा, दा नी सा, तो मतलब ये जो पहले वाले 5 स्ट्रिंग्स है ये लो ट्यूनिंग के साथ है, यहाँ पर जो, ठीक है, यहाँ पर जो तार है, जो परत है, और ये बाकी जो ये नीचे के साथ ट्यून है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई।
अच्छा अब भी जो लास्ट वाला बचता है, ये लास्ट वाला आप इसको सा के साथ भी कर सकते हो, पा के साथ, अगर आपका रबाब बहुत ज़्यादा ट्यून है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट आएगा 355, अगर ये आपको मतलब 500-600 में आप इसको ट्यून कर लो, शायद ये पट जाए। ठीक है, अगर आपका रबाब हाई ट्यून हो तो आप इसको पा के साथ, खैर आप पा के साथ भी कर सकते हो, सा के साथ, माँ के साथ भी, आपकी मर्जी है। तो ये रबाब की ट्यूनिंग है। आपने सबसे पहले कटा बमजिर, जो ये 3 स्ट्रिंग्स है, आपने इसको ट्यून करना है। उसके बाद आपने पहला शाहतार, सेकंड शाहतार, शाहतार, फिर इसके बाद ये टोटल 13 है, गा मा पा द नी, यहाँ तक आएगा। फिर नी के बाद जो सारे गा मा पा द नी आएगा, आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मैंने कोशिश की कि जितना सिंपल हो सकता है मैं आपको समझा लूँ। अच्छा, तो आपने बस इसको देखना है, इसको समझना है, फिर भी आपको कोई मसला हो तो आपने कमेंट भी करना है, और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है।